अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशन की टाइप 3 को डिस्कस करेंगे और इसकी जो टाइप 3 की जर्नल फॉर्म है हमारे पास, जर्नल फॉर्म ये है हमारे पास ax² + bx + c + px² + qx + r = lx² mx + n। अंडर तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास तीन रेडिकल साइन हैं इसमें, और इसमें तीनों में क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद हैं। अब इसका जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं हमारे पास, ये तीनों के तीनों फैक्टराइज होंगे। अब आपको पता है जब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर फैक्टराइजेशन होती है तो इसमें एक जो दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, एक लीनियर फैक्टर हर एक में सेम होगा। अब इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह करना है कि पहले तो सबसे पहले हर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप जो है फैक्टराइज कर लेंगे, उसके बाद एक जो फैक्टर तो सारों में सेम आ रहा है उसको आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन ले के उसको ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे, वहाँ से एक रूट निकल आएगा। उसके बाद बाकी जो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा वो टाइप 2 यानी कि रेडिकल क्वेश्चन टाइप 2 की तरफ चला जाएगा। तो वो टाइप 2 को जो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है, वो दो दफ़ा उसका सिंपली आप स्क्वायर लेते हैं तो उससे वो हल हो जाती है टाइप 2। तो इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, 8 और 9 फिर सिमिलर है तो वो फिर आपके ज़िम्मे हो जाएंगे। तो ये 7 के स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x² + 2x - 3√x² + 7x - 8√5x² + 3x - 4√। तो अब ये फैक्टराइजेशन तो आपको आती है, तो इसको मैं जो डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसके जो फैक्टर बनेंगे थोड़ा सा समझा भी देता हूँ डायरेक्ट लिखने का तरीका आपको। तो ये हो जाएगा 5 और ये आप जो है एक्स ले लें हर एक जगह एक्स ले लें। अब ये आपके पास -3 है, ये कोफिशेंट 1 है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस का 2 है, तो ये आप देख लें आप प्लस का 3 ले लेंगे और माइनस का 1 ले लेंगे। ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बन जाएगा। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। इसमें भी इसी तरह करना है, -8 है 1 है तो ये प्लस का 8 ले लेंगे माइनस का 1 ले लेंगे। इधर जो है प्लस का 4 ले लेंगे माइनस का 1 ले लेंगे। अब इसमें जो फैक्टराइजेशन की है हमने, इसमें आप देख रहे हैं एक जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है चारों में। तो अब इस तरह करना है कि आपने जो रेडिकल साइन है दोनों का अलग अलग कर दें, इसका भी और इसका भी। इसी तरह x + 8 का अलग कर दें, x - 1 का अलग कर दें, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो इसमें जो है 5x + 4 का अलग कर लेता हूँ और x - 1 है हमारे पास इसका अंडर रूट जो है रेडिकल साइन अलग कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास फैक्टर है x - 1 अंडर रूट, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x + 3 अंडर रूट। इधर जो है आपके पास x + 8 अंडर रूट आ जाएगा और इधर आपके पास 5 x, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, +20 अंडर रूट, ये हमारे पास 0 आ गया। अब इसमें x - 1 अंडर रूट को 0 के इक्वल ले लें और दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास 1 आ जाएगी। बाकी जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है पैरेंथेसिस में, इसको भी आप 0 के इक्वल ले लेंगे, तो ये आप जो है इसको भी आपने 0 के इक्वल ले लेना है। तो इसमें ये वाली टर्म जो है ये राइट साइड पे ले जाते हैं इसको,
तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री अंडर रूट प्लस एक्स प्लस एट अंडर रूट इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस 20। तो ये जो है ये वाली टर्म हम राइट साइड पे ले गए। अब इसका तरीका ये है कि आप इसका जो है स्क्वायर ले लें यहीं, क्योंकि ये टाइप टू बन गई है। ये जो है हमारे पास कौन सी टाइप बन गई, टाइप टू, सॉरी ये टाइप टू रेडिकल क्वेश्चन टाइप टू। और इसको हल करने का बड़ा आसान तरीका है, दो दफ़ा स्क्वायर ले लें। अच्छा जी, इधर स्क्वायर लेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर लें अंडर रूट कैंसिल हो गया, टू एक्स प्लस थ्री अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस एट अंडर रूट के साथ, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस 20। तो अब ये टू और इसको एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा फाइव एक्स। और इधर से देखें ये एक्स और ये एक्स, ये हो गया टू एक्स, तो राइट साइड पे आ चुके माइनस टू एक्स बन जाएगा। और ये दोनों आप ऐड कर लें, एट प्लस थ्री अलेवन, तो ये हो जाएगा माइनस का अलेवन। तो ये आपके पास आ जाएगा टू, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा अलेवन एक्स, एट एक्स थ्री एक्स अलेवन एक्स प्लस 24, थ्री को एट से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद ये इसमें से इसको माइनस कर दें 3x, और इसमें से इसको माइनस करें प्लस 9 हो गया। ठीक है जी, मज़ीद जो है क्योंकि ये रेडिकल साइन आ रहा है तो हम इसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये रेडिकल साइन जो है कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अलेवन एक्स प्लस 24, इसका स्क्वायर ले लिया अंडर रूट कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस जो है 9 का स्क्वायर 81, और प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54x। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस ये आपके पास हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 54x। तो इसमें देखें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, इधर 4 है, तो इन टर्म को जो है राइट साइड पे ले जाएंगे तो इस तरफ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद है 54x और इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 44x, और ये हो जाएगा प्लस का 81, और इसको राइट साइड पे ले जाएंगे माइनस 96। तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें 5x स्क्वायर, अच्छा इसमें से इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 10x, और इसमें इसमें माइनस करें, माइनस का 96 है प्लस का 81 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको जो है 5 से डिवाइड कर देते हैं थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी इक्वेशन, तो 5 कैंसिल हो गया, ये 2 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये हमारे पास हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टराइजेशन कर लें, इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स ले लें तो माइनस का 3 है और दरमियान में जो है हमारे पास प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास दो रूट आ गए, एक 1 और एक हो गया माइनस 3। तो एक जो आप देखें कि हमने पहले भी एक वैल्यू निकाली थी, ये देखें ये वाली 1 आ गई, और इधर जो है इधर भी दोबारा 1 आ गई। तो इस तरह है कि ये जो हमारे पास एक रूट जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी एक्चुअल रूट तो हमारे पास दो ही है ना, 1 और माइनस 3। तो ये हमारे फाइनली दो रूट था, एक है 1 और एक है माइनस 3। अब हमने ये चेक करना है कि वाकई ये जो हैं दोनों ही रूट्स हैं या इसमें से कोई एक्सट्रीनियस भी है। उसके लिए ये वाली इक्वेशन मैं ले लेता हूँ और इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1 अंडर रूट, ये x प्लस 8
एक्स माइनस वन अंडर रूट इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन अंडर रूट। तो एक ही बात है क्योंकि ये देखे ना, इसको लेने के बजाय मैंने ये लिया है, इसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना चेक करना रूट्स को। तो कोई बात नहीं, ये एक ही चीज़ है क्योंकि फैक्टराइजेशन से ये इक्वेशन आई है हमारे पास। तो पहले हम वन को चेक कर लेते हैं। अब आप गौर करें, ये जो फैक्टर है हमारे पास, अगर आप यहाँ वन लेते हैं, तो अगर यहाँ वन लें तो ये ज़ीरो बनेगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो मल्टीप्लाई होकर सारा ज़ीरो हो गया। इधर ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। चलें जी, ये तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी बड़ी इजीली। तो इसका मतलब है जो एक्स इज इक्वल टू वन है वो हमारे पास एक्सट्रीनियस नहीं है। अब हम इस तरह करते हैं कि अब ये थ्री इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, अगर आप यहाँ माइनस थ्री लेते हैं ये ज़ीरो बनेगा, माइनस थ्री यहाँ लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस फोर। अच्छा, इधर आ जाए, माइनस थ्री प्लस एट ये फाइव हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस वन ये हो जाएगा माइनस फोर। इधर आ जाए, अच्छा माइनस थ्री प्लस फोर ये हो जाएगा वन, माइनस थ्री और माइनस वन ये हो जाएगा माइनस का फोर। अच्छा, ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया माइनस ट्वेंटी अंडर रूट, ये भी हो गया माइनस ट्वेंटी अंडर रूट, तो ये तो ज़ीरो है। तो ये आपके पास जो है ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है एक्सट्रीनियस रूट नहीं है, देयर इज नो एक्सट्रीनियस रूट इन दिस क्वेश्चन। तो लिहाजा इसमें जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा वन और माइनस थ्री। चलें ये इस तरह आप जो है चेक कर लेंगे, और ये जो है क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बाकी जो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एट और नाइन है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने ज़रूर करने हैं। मज़ीद अगर कोई मसला बन रहा है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँगा। अल्लाह हाफिज़।